José. सिंघम फेम गर्ल काजल अग्रवाल ने रिसेंटली एक मेंस मैगजीन के लिए टॉपलेस होकर फोटोशूट किया। इस पिक्चर में काजल काफी कुछ हॉलीवुड एक्ट्रेस लिंसे लोहान को कॉपी करते हुए नजर आई। आयान मुखर्जी की हिट फिल्म वेकअप सिड के सीक्वल का नाम चेंज करके ये जवानी ये दीवानी रखा गया है और इस फिल्म में साथ नजर आएंगे दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर। क्रिटिक्स भले ही सलमान की फिल्म बॉडीगार्ड को अच्छी रेटिंग्स नहीं दे रहे हो पर फिल्म बॉडीगार्ड के बिजनेस ने सबके मुंह बंद कर दिए हैं और अब तो कहा जा रहा है कि सलमान बॉलीवुड के रजनीकांत बनते जा रहे हैं। वो जिस फिल्म में भी वर्क करते हैं उनके केवल नाम से ही ऑडियंस थिएटर्स तक फिल्म देखने पहुँच जाती है। रिसेंटली हेल्ड दुबई कॉन्सर्ट में दिखे कई बॉलीवुड सितारे और शाहिद कपूर, जैकलिन, मलाइका अरोरा खान, दीपिका पादुकोण जैसे स्टार्स ने स्टेज परफॉर्मेंसेस भी दी। हैव अ लुक एट दीज पिक्चर्स। होम प्रोडक्शन फिल्म टेल मी ओ खुदा की रिलीज डेट और भी पोस्टपोन कर दी गई है। इस फिल्म को सितंबर में रिलीज होना था पर अब इसकी रिलीज डेट को बढ़ाकर अक्टूबर कर दिया गया है। दरअसल हेमा सितंबर में रिलीज हो रही 6 फिल्मों के साथ नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि ये फिल्म अक्टूबर एंड में रिलीज होगी।